हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट में। सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिल सके। इस वक्त की क्रिकेट से रिलेटेड बड़ी बड़ी खबरें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं आज ही के दिन ब्रैट ली ने T20 की पहली हैट्रिक ले ली थी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि आज ही के दिन 2007 में ब्रैट ली ने T20 की पहली हैट्रिक ली थी। ये ब्रैट ली का दिन आज बहुत ही अच्छा दिन, क्रिकेट के लिहाज से भी बहुत अच्छा दिन है और ब्रैट ली के लिहाज से भी बहुत ही अच्छा आज का दिन है, क्योंकि आज ही के दिन ब्रैट ली ने हैट्रिक ली थी। और दूसरी बड़ी खबर में आपको बता दूं, ये खबर निकल के आ रही है अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान के हवाले से। राशिद खान ने कहा है कि हमारा एक ही मकसद अब रहा है कि किसी भी हाल में वर्ल्ड कप जीता जाए। हमारे टीम में टैलेंट भी है और स्किल भी है, हमारे हुनर टीम में हुनर भी है और हर तरह की टैलेंट भी हमारे टीम में है, और वो चाहते हैं कि 5 सालों में किसी भी हाल में T20 वर्ल्ड कप या 50-50 कोई भी वर्ल्ड कप वो उनकी जीतने की कोशिश करेंगे। उनको ज़िंदगी में अब यही मकसद रहा है, ये कहना है अफगानिस्तान क्रिकेट कप्तान राशिद खान का। और अगली खबर का रुख करें, ये क्रिकेट से लिहाज से थोड़ी बुरी खबर है। इंग्लैंड के क्रिकेट ने लगभग 20% जॉब्स कट कर ली है, लगभग 60 से 65 जॉब को उन्होंने कट कर लिया है, क्योंकि उनको लगभग 1,000 करोड़ का नुकसान हुआ है पूरे इस कोरोना पैंडमिक में, इसलिए उन्होंने बहुत सारी जॉब ही हटवा दी। ये इंग्लैंड क्रिकेट के लिए थोड़ी बुरी खबर है, क्योंकि उनको 1,000 करोड़ का नुकसान हुआ है क्रिकेट में। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिल सके। थैंक यू।